कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले, खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन के संक में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का ढेरों स्वागत है। किसान भाइयों, आपको इंतजार हो रहा है आपके खास कार्यक्रम कृषि दर्शन का। तो हम आज फिर हाजिर हो चुके हैं ढेरों जानकारियों और विशेषज्ञों के साथ। किसान भाइयों, मुसीबतें तो आती ही रहती है, परेशानियां आती ही रहती है, लेकिन हर परेशानियों की दीवार को लांघ पाना हमारे किसान भाइयों में ही ये हौसला होता है। जहाँ की हमारे किसान भाई बंजर जमीन में भी हरियाली डाल देते हैं। तो किसान भाइयों, आपको इंतजार हो रहा है जानकारियों का, लेकिन जानकारियों की ओर रुख करने से पहले चलिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कोडरमा के दूध उत्पादकों को प्रशिक्षण देने की योजना। सिमडेगा में चारा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है चारा विकास योजना। झाड़ीदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद CP4। अब समाचार विस्तार से। कोडरमा जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादन कार्यक्रम को स्वरोजगार सृजन का सबल साधन के रूप में विकसित करने और डेयरी विकास के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई है। इसमें 6 दिवसीय दुधारू पशु प्रबंधन एवं पशु पोषण प्रशिक्षण, दूध उत्पादकों को राज्य में और राज्य के बाहर के संस्थानों में विशेष प्रशिक्षण और राज्य में एवं राज्य के बाहर परिदर्शन तथा परिभ्रमण कार्यक्रम शामिल है। इसके लिए वैसे आवेदक जो कोडरमा जिला के स्थायी निवासी हों, साक्षर हों, जिनकी उम्र 18 से 25 वर्ष हो, दुधारू मवेशी पालन करते हों या करने के इच्छुक हों और पिछले 3 वर्षों से इस तरह का प्रशिक्षण नहीं लिए हों, वे इसके लिए योग्य माने जाएंगे। इस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए कोडरमा के दूध उत्पादक जिला गव्य विकास कार्यालय कोडरमा में 17 जून तक आवेदन दे सकते हैं। सिमडेगा जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में निजी ऊपरी जमीन में बहुवर्षीय चारा उत्पादन के लिए चारा विकास योजना चलाई जा रही है। इसमें आधा एकड़ और 1 एकड़ के लिए अलग अलग अनुदान की सुविधा है। आधा एकड़ में बहुवर्षीय नेपियर घास उत्पादन की योजना लागत ₹60,000 है। इसमें 75% अनुदान मिलेगा, जबकि 1 एकड़ की योजना लागत ₹1,00,000 है, जिसमें 50% अनुदान की सुविधा है। आधा एकड़ में सहजन उत्पादन की योजना लागत ₹37,000 है। इसमें 75% अनुदान मिलेगा, जबकि 1 एकड़ की योजना लागत ₹71,000 है, जिसमें 50% अनुदान की सुविधा है। आधा एकड़ में हाइड्रोफोनिक विधि से चारा उत्पादन की योजना लागत ₹1,00,000 है। इसमें 75% अनुदान मिलेगा और 1 एकड़ की योजना लागत ₹3,00,000 में 50% अनुदान की सुविधा है। इस योजना से लाभ लेने के लिए सिमडेगा के किसान या दूध उत्पादक जिला गव्य विकास कार्यालय सिमडेगा में 20 जून 2017 तक अपना आवेदन पत्र जमा कर दें। किसान भाई रासायनिक खाद और रासायनिक दवा के बनिस्पत जैविक खाद और जैविक दवा का उपयोग करना ज़्यादा फायदेमंद है। जैविक खेती में भले ही 2-3 वर्षों बाद उपज बढ़ती है, लेकिन इसकी उपज की उच्च गुणवत्ता होती है, जिसकी बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से जहां फसलों की गुणवत्ता और मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है, वहीं ये हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ऐसे में जैविक खेती एक अच्छा और सुरक्षित विकल्प है और इसकी कीमत बाजार में अच्छी मिलती है। जैविक तरीके से उपजाए गए फसलों में उच्च गुणवत्ता के साथ साथ स्वादिष्ट भी होता है। किसान भाई, जैविक तरीका और रासायनिक तरीकों से जब हम खेती करते हैं तो आप देखेंगे उत्पादन में हमारे जो है रासायनिक तरीकों से हम करते हैं तो हमारा उत्पादन थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लेकिन जब जैविक तरीकों से करते हैं तो हाँ उत्पादन कम मिलता है, लेकिन हमारे जो उत्पादन की गुणवत्ता होती है वो बहुत ही हाई क्वालिटी की होती है। ऐसे उत्पाद को जो है आप ऑर्गेनिकली ग्रोन हुआ इसको यदि आप खाएं और जो हमारे रासायनिक तरीकों से उगाया हुआ है उसको यदि आप खाते हैं तो उसके टेस्ट में, उसके फ्लेवर में, एरोमा में बहुत अंतर मिलता है।
खरीफ के मौसम में झाड़ीदार बोदी की खेती के लिए जून से जुलाई तक बुआई कर सकते हैं। झारखंड में झाड़ीदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद CP4, अर्का गरिमा या पूसा कोमल का चयन कर सकते हैं। झारखंड राज्य में सब्जी की खेती की प्रबल संभावना है। यदि किसान झाड़ीदार बोदी की खेती करना चाहते हैं तो अधिक पैदावार के लिए CP4, अर्का गरिमा, पूसा कोमल जैसे प्रभेदों को लगाएं। 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। लगाते समय दूरी का ख्याल अवश्य रखें। कतार से कतार 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। इसकी उपज क्षमता 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जो किसान टांड जमीन में विभिन्न फसलों की खेती कर रहे हैं वो अपने खेतों में निकोनी का काम करने के लिए पेग हो नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 18 से 20 डेसिमल प्रतिदिन है। आइए आज हम जानते हैं मिर्च फसल को रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट मुक्त रखें। किसान भाई, आप अगर मिर्च फसल की खेती कर रहे हैं तो रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण करने का एक आसान उपाय जान लें। हम सभी जानते हैं कि कई पक्षी बड़े चाव से कीट पतंगे खाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने मिर्च फसल वाले खेत में पक्षियों को बैठने के लिए आश्रय स्थल बनाएं। एक पक्षी आश्रय प्रति 10 एकड़ की दर से जरूर बनाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपये से 2400 रुपये, चावल मध्यम 2375 रुपये से 2900 रुपये, चावल उत्तम 3800 रुपये से 6000 रुपये, गेहूँ 2100 रुपये से 2600 रुपये, चना 6000 रुपये से 6500 रुपये, दाल अरहर 5800 रुपये से 6200 रुपये, दाल मसूर 5000 रुपये से 5600 रुपये, दाल चना 7000 रुपये से 7400 रुपये, सरसों तेल 9350 रुपये से 10500 रुपये, चीनी 4100 रुपये से 4250 रुपये, आलू 400 रुपये से 700 रुपये और प्याज 750 रुपये से 850 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहर। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, अभी अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें आपने जाना कृषि से संबंधित ढेरों जानकारियां और साथ ही जाना मंडी के भाव के बारे में और उसके साथ ही जाना मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। तो किसान भाइयों, उस जानकारियों की ओर अब हमें चलना चाहिए। तो किसान भाइयों, आज की जो हमारी जानकारी है डोभा से संबंधित। जी हाँ, आप अपने खेतों में बाग बगीचा लगाते हैं, बाग
बहुत ज़रूरी होता है किसान भाइयों। तो बाग बगीचा लगाने से जिस तरह से अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और ऐसे गर्मी में पानी की भी कमी हो जाती है, तो किसान भाइयों पानी का स्टॉक हमें रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाग बगीचा में अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो हमारा खेती नष्ट हो जाएगा। तो किसान भाइयों बाग बगीचा का पटवन करने के लिए डोभा आप कैसे बनाएंगे, तालाब कैसे बनाएंगे, इसकी जानकारी हमें होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसी की जानकारी लेने के लिए चलिए सीधे चलते हैं हमारे विशेषज्ञ के पास। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों आज हम अपने इस अंक में चर्चा करेंगे बाग स्थापना में जल कुंड और डोभा के उपयोग के बारे में। क्या हमारा झारखंड प्रदेश में और अभी गर्मियों के मौसम में जल की बहुत ही अधिक अकाल सी पड़ गई है, तो ऐसे में जल कुंड या डोभा का जो निर्माण होता है तो हमारे किसान भाई उसे अपने खेतों में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं? हमारे किसान भाइयों हम आपको बहुत ही अच्छे से बता देना चाहते हैं कि हमारे बागवानी के वृक्ष पानी के अभाव में उनके पत्ते मुरझा जाते हैं, पौधे भी सूख जाते हैं। आप इतनी मेहनत करके जो पिछले साल लगाए होंगे या आगे आने वाले वर्ष में लगाएंगे तो जो उनमें पानी की ज़रूरत होती है आप उनको अगर मौजूदा आपके तालाब या आपके चेक डैम या आसपास कोई नाला या नदी नहीं है या कुआं भी नहीं है तो आप वैसी जगह पे छोटे छोटे जल स्रोत का निर्माण करके भी अपने वृक्षों को बचा सकते हैं और बहुत आसानी पूर्वक आप बचा सकते हैं। देखिए जैसे अभी हम ये आम के बगीचे में खड़े हुए हैं, ये आम के बगीचे कभी हमने इनमें एक साल का पौध हमने इसमें लगाया था और लगाने के बाद हमको हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन इसमें पानी देना पड़ता है और जैसे जैसे इनकी जड़ नीचे तक फैलती चली जाएंगी इनकी जल की आवश्यकता बढ़ती चली जाएगी जी। वैसी स्थिति में हमारे पास आज जो राज्य सरकार डोभा बनवा रही है या बहुत सारे और भी स्रोत हैं या तालाब भी हैं और जो उपलब्ध हैं और नहीं भी हैं किसान के पास, वैसी स्थिति में किसान भाई अपने आम के बगीचे में हर 10-10 20-20 मीटर छोड़कर एक एक जलकुंड की स्थापना करें। ये जलकुंड क्या कहलाते हैं, इसको छोटा सा डोभा भी कह सकते हैं या पानी संरक्षण करने का एक स्थान भी कह सकते हैं। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा जी। अब देखिए इसमें पानी नहीं रहेगा किसान भाइयों, बरसात का जो पानी आएगा जमा होगा लेकिन बरसात खत्म होने के बाद रिस के नीचे चला जाएगा जी। हमको आवश्यकता है उस समय जब हमारा सूर्य का तापक्रम बढ़ने लगता है या तीखी गर्मी पड़ने लगती है उस समय हमारे पौधे को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करें, वैसी स्थिति में उन जलकुंडों में या जो जल जहां जमा करने वाले हैं हम उस जगह में अगर हम उसको प्लास्टिक बिछा के और उसमें एक भी छिद्र ना रहे, वो पानी अगर हमारे जमा हो जाएगा अगर हम इन 10-20 पौधे के बीच में एक बनाते हैं तो देखिए 3 फीट लंबा होगा, 3 फीट चौड़ा होगा और 3 फीट गहरा होगा, मतलब 3 × 9 = 27 मीटर, 27 क्यूबिक मीटर जी। तो उसमें 1000 लीटर पानी हमारा एकत्रित होगा। अब देखिए 1000 लीटर अगर हम प्रतिदिन या हर दूसरे दिन या तीसरे दिन 2-2, 3-3 लीटर भी पानी देते हैं तो हम 300 पौधों को एक दिन पानी दे सकते हैं। लेकिन मार्च अप्रैल मई जून हमको बरसात आने के पहले तक 4 महीने कम से कम पानी उनको उपलब्ध कराना है जी। तो हमको 4 महीने में हमको हर दूसरे दिन अगर पानी देना है तो 30 × 120 दिन होते हैं, इसका मतलब हमको 60 बार पानी देना है, 60 बार पानी देना है। अगर हम हर बार 2 लीटर भी पानी हम प्रति एक दिन छोड़कर एक दिन देते हैं मतलब 120 लीटर पानी की हमारी ज़रूरत होगी, इसका मतलब हमारा एक जलकुंड 8 से 9 पौधे के लिए 8 पौधे के लिए सफिशेंट होगा। तो 8 पौधे के बीच में अगर हम एक निर्माण करते हैं और पॉलीथीन बिछा देते हैं और ऊपर से पुआल की कोई भी बांस की छल्ली देके जाली लगा दें
ताकि वाष्पीकरण ना हो और हम पानी दे दें और उसको वापस ढक दें तो हमारे 8 पौधे सुरक्षित रह सकते हैं। अगर ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है कुछ इलाके जैसे गढ़वा है या डाल्टनगंज है या जहाँ भी पूर्वी सिंहभूम में अगर तापक्रम और ज़्यादा बढ़ रहा है, वैसी स्थिति में हम 6 या 7 पौधे के बीच में एक छोटा सा जल का ये जलकुंड का निर्माण करें तो इससे हमारे पौधे की जल की आपूर्ति पूरी हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि अगर मान लीजिए हमारे पास जो डोबा है तो डोबा से हम पानी पटा सकते हैं। दूसरा, डोबा से हम एक बार अगर एक सिंटेक्स टैंक को भर लें और सारे पौधे की अगर हम टपक सिंचाई से कनेक्टिविटी कर दें, उनको राज्य सरकार की बड़ी योजनाएं चल रही हैं टपक सिंचाई में। अभी तो टाण जमीन में मैंगो प्लांटेशन के लिए मनरेगा के तहत भी योजना आई है, ऐसा मैंने सुना है, और चालू हो गई है। तो किसान भाई जो भी लगा रहे हैं तो टपक सिंचाई से वो उनको अगर पानी देते हैं तो भरपूर पौधे आपकी बचत रहेगी। दूसरी चीज़, जब हम पौधे को लगाते हैं तो अगर हम पौधे के इर्द गिर्द तना के आसपास, क्योंकि शुरू में तो जड़ ज़्यादा दूर तक नहीं जाती हैं, तो अगर हम एक प्लास्टिक बिछा देंगे तो जो बूंद बूंद हमारा पानी जाएगा उनकी जड़ की निचली तक, वो हम कभी भी हाथ डाल के या हम किसी भी तरीके से देख सकते हैं कि हमारा पानी नीचे तक पहुंचा कि नहीं। तो हम उसमें अगर एक प्लास्टिक बिछा देंगे तो पौधे के पास से भी वाष्पीकरण नहीं होगा। तो हमारे किसान भाइयों, चाहे आप आम का वृक्ष लगाएं, चाहे पपीते का वृक्ष लगाएं, चाहे अमरूद का लगाएं, चाहे आप लीची का लगाएं, या जो भी फलदार आप वृक्ष लगाना चाहते हैं, जिसका भी बगीचा लगाना चाहते हैं, सबके पौधे से पौधे की दूरी बराबर है, लेकिन पौधे में 2 लीटर से 3 लीटर पानी प्रतिदिन आपको देना होगा या एक दिन छोड़ कर देना होगा। तो उसके लिए जो तकनीक हमने आपको बताई है, आप उस तकनीक का अगर प्रयोग करेंगे तो आपके पौधे भी सुरक्षित रहेंगे और उनमें बढ़ोतरी भी अच्छी होगी और आपको लाभ भी इसका मिलेगा। आइए हम जो हमारा जल संरक्षण किया हुआ है या हम इन पौधों को लगाने के पहले, अभी भरपूर समय है, अभी आप अगर तैयारी करेंगे तो आने वाली बरसात में जल भी एकत्रित होगा और बरसात के समय में जब आप पौध रोपण करेंगे तो आपको पानी की शिकायत, पानी की आवश्यकता उस समय जिस समय पौधों को ज़रूरत है आपको कमी महसूस नहीं होगी। डोभा निर्माण के बारे में कितनी अच्छी जानकारी दी और आप इसका मदद सरकार से कहाँ से ले सकते हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से बताया। सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जोहार झारखंड। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का ढेर स्वागत है। आपको इंतजार हो रहा है दूसरी जानकारी की। जी हाँ, दूसरी जानकारी भी हमारे पास है और विशेषज्ञ भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। जी हाँ किसान भाइयों, हमारी दूसरी जानकारी है औषधीय युक्त जो खेती होती है उसके बारे में। हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो औषधीय खेती करना चाहते हैं और उन्हें जानकारी की भी अभाव होती है। तो किसान भाइयों, वैसे किसान भाइयों के लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो किसान भाइयों, चलिए सीधे चलते हैं हमारे विशेषज्ञ के पास और जानते हैं कि औषधीय पौधों की खेती कैसे होती है, जिसमें आज है सर्पगंधा और शतावर की खेती कैसे की जाती है। किसान भाइयों नमस्कार, आपका कृषि दर्शन के इस अंग में स्वागत है। हमेशा की तरह नए विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हम आपके साथ जुड़े हैं। आज हम मौजूद है BAU के प्रांगण में और आज का हमारा विषय है सर्पगंधा की खेती। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल जो हम किसान भाइयों के लिए करेंगे वो सर्पगंधा है क्या, ये किसान भाइयों को बता दें। किसान भाइयों, हमारे झारखंड में की एक बहुत ही प्रमुख औषधीय फसल है सर्पगंधा, जो कि हमारे पहले जमाने में
आज से कुछ साल पहले हमारे झारखंड के जंगलों में बहुतायत से पाए जाते थे, लेकिन इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा होने के कारण हमारे जंगलों से इसका विदोहन इतना तेज़ी से हुआ कि आज ये विलुप्त प्राय श्रेणी के कगार पर खड़ा हुआ है। आज हमारे जंगलों में बिल्कुल ये नहीं मिलता। रही बात सर्पगंधा जो है, ये बहुवर्षीय फसल है, ये लगभग 18 से 24 महीने की फसल है, जो कि इसकी जो जड़ें जो होती हैं वो औषधीय पौधों के औषधीय के रूप में आपके यूज़ में आई जाती हैं। और इसकी जड़ें मुख्य रूप से हमारी जो उच्च रक्तचाप है या नींद नहीं आने की बीमारी है या हिस्टीरिया है या दिमाग संबंधी नस संबंधी जो भी बीमारी होती है दिमागी नस संबंधी, उसमें इसकी जड़ें का बहुतायत से उपयोग होता है। और आज इसकी विदोहन इतनी ज़्यादा होने के कारण भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया इस पौधे पर। इस पौधे के जंगल से कलेक्शन पे भारत सरकार ने बाकायदा इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और आज इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा होने के कारण जो भी मार्केट में अक्सर इसके जो प्रोडक्ट हैं उसमें बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन पाया गया है और इसकी खेती व्यावसायिक रूप से काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। भाई यही है हमारा दूसरा प्रश्न, जो हमारे किसान भाई जो व्यावसायिक रूप से इसका करना चाहते हैं उन्हें आप क्या सलाह देंगे? इसकी खेती देखिए, जो आप जान रहे हैं कि इसकी जड़ का उपयोग बहुत ज़्यादा है हमारे औषधीय प्रयोग में। और व्यावसायिक रूप से इसकी खेती में एक हेक्टेयर में करीब करीब 80 से 90 हज़ार रुपये का फायदा है। तो वही उसी की बात करेंगे, नर्सरी इसकी तैयार किस प्रकार करें है हमारे किसान भाइयों को बताएं। ये जो सर्पगंधा जो है, सर्पगंधा में दो प्रॉब्लम है। ये क्रॉप को हम लोग नाजुक फसल मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि जो इसकी जो बीज होती है उसकी वायबिलिटी यानी कि पौधों को जन्म देने की क्षमता जो है वो इसमें काफ़ी कम होती है। मोर ओवर जो है इसकी जो आप जो जब आप इसके बीज को जब आप नर्सरी में बोएंगे तो पौधे निकलने में काफ़ी समय लग जाते हैं। सामान्यतः इसके पौधे निकलने में आपको 40 दिन तक लग जाते हैं और उसके बाद यदि आप बिना किसी ट्रीटमेंट के बीजों को लगाएंगे तो बहुत कम जर्मिनेशन होगा, 15 से 20% जर्मिनेशन भी हो जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा है। अतः हम लोग क्या करते हैं कि जो सर्पगंधा की जो नर्सरी टेक्निक को अपनाने से पहले दो चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बीज जो है बिल्कुल ताज़े होने चाहिए। यदि बीज थोड़ा भी पुराना हो गया तो बीज में कुछ भी जर्मिनेशन नहीं होगा क्योंकि इसकी वायबिलिटी काफ़ी कम होती है। दूसरा, आपको इसके बीज को जो है PGR जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उससे ट्रीट करना पड़ेगा इसके बीज को, ताकि कि जर्मिनेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सके। तो PGR में जो है आपका जिब्रेलिक एसिड जो है, यदि आप उसके 200 PPM से आप इसके बीजों को ट्रीट करते हैं, यानी कि इसके बीज को 5 से 10 मिनट तक यदि आप 200 PPM जिब्रेलिक एसिड के सॉल्यूशन में डुबा के रखते हैं और उसके बाद आप यदि इसे नर्सरी में लगाते हैं तो सर्पगंधा में जर्मिनेशन आपको अच्छा, मतलब 50 से 60% तक आपको जर्मिनेशन मिलेगा। अदरवाइज़ यदि आप नॉर्मली लगा देंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी, हो सकता है कि 40 से 50 दिन के बाद बिल्कुल ही पौधा जर्मिनेट ना करे। डॉक्टर साहब एक और प्रश्न करेंगे हम, जो सर्पगंधा है इसकी क्या क्या उन्नत इसकी किस्में हैं ये हमारे किसान भाइयों को बताएं। ऐसे उन्नत किस्में तो एक RS1 जो है, रोल्फिया सरपेंटाइना 1 इसकी उन्नत किस्म है जिसकी उपज काफ़ी अच्छी पाई गई है। उसके बाद मैं नर्सरी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि बीजों को ट्रीट करने के बाद आप इसे किसी छायादार स्थान में जो अभी का जो महीना जो चल रहा है अप्रैल मई के महीने में, किसी छायादार स्थान पे आप नर्सरी का बेड बना के उसमें काफ़ी मात्रा में 50% से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा गोबर की खाद आपको मिलानी पड़ेगी और बालू मिलाना पड़ेगा। मिट्टी जितनी भी है वो आपको यदि आप ना दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आपको नर्सरी बेड में आप लाइन से लाइन की दूरी 10 सेंटीमीटर रखेंगे, बीज से बीज की दूरी 5 सेंटीमीटर रखेंगे और वो बीजों को आप उसको करने के बाद उसे पुआल से ढक देंगे। पुआल से ढक देने के बाद लगातार आपको फव्वारे से सिंचाई करती रहनी पड़ेगी और यदि आपने बीजों को ट्रीट किया है तो कम से कम आपको 20 दिन के बाद, 18 से 20 दिन के बाद, यानी मान लें कि 3 हफ्ते के बाद बीजों में अंकुरण स्टार्ट होगा। बीजों में अंकुरण स्टार्ट होने के बाद आप उसे लगभग नर्सरी में आपको 3 हफ्ते 4 हफ्ते छोड़ने पड़ेंगे। जब कम से कम 6 पत्तियाँ जब पौधों में हो जाएँ तब वो खेतों में ट्रांसप्लांट करने के लायक उपयुक्त होगा और ट्रांसप्लांट आप तब करें जबकि बारिश पूरी तरीके से सेट हो जाए। आपके तरफ से क्या संभावना है झारखंड प्रदेश में इसकी खेती की? बिल्कुल, संभावनाएं तो बहुत अधिक हैं। जो देखिए, सर्पगंधा की खेती के लिए जो जलवायु चाहिए, आर्द्र एवं नम जलवायु चाहिए सर्पगंधा की खेती के लिए, और दूसरा है कि इसे ठंड जो है, सर्पगंधा की फसलों पर ठंड का काफ़ी विपरीत असर पड़ता है।
तो जो ठंड की जो अवधि है, जो सीवियर ठंड की अवधि है हमारे झारखंड में कम होती है, वो लगभग एक महीने के आसपास होती है। तो उस ठंड में आप इसे इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं और जो पौधा जो है लगता है कि वो नहीं बचा, वो समाप्त हो गया। तो वैसी हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो बिल्कुल इसके उपयुक्त है और हमारे यहाँ बारिश भी अच्छी होती है। रही बात सर्वगंधा, एक ऐसी फसल है जिसे आप इंटरक्रॉपिंग के रूप में भी ले सकते हैं। आप आम के बगीचों में जो भी है, जो भी बगीचे फलदार बगीचे जो हैं उसके अंदर आप इसे ले सकते हैं। दूसरी बात, आप सर्वगंधा के जहाँ का यदि आप कहीं पे आप इसकी व्यावसायिक खेती कर रहे हैं तो हर एक दो तीन रो के बाद एक रो आप पपाया का ले सकते हैं। तो पपाया का में क्या होगा कि आप इसे गर्मी में भी उससे सुरक्षा मिलेगी, उसके तेज़ धूप से सुरक्षा मिलेगी पौधों को, जाड़ों में भी जो है जब कुहासा वगैरह कभी कभी पड़ जाता है तो उससे भी आपको यदि इंटरक्रॉपिंग में रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो किसान भाइयों, आपने देखा हमारे विशेषज्ञ ने आपको कितनी महत्वपूर्ण बात बताई। आशा करते हैं इस जानकारी से आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। तो किसान भाइयों, औषधीय पौधों की जो खेती होती है उसके बारे में तो जानकारी आपको मिल गई है, लेकिन और भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आपको IMD पुणे द्वारा प्राप्त होगी। तो चलिए सीधे चलते हैं IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। आकाश में हल्के बादल रहेंगे, हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। किसान भाई, मिट्टी में उपलब्ध नमी को देखते हुए खेत की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और पाटा नहीं चलाएं। मिट्टी को खुला छोड़ देने से इसमें मौजूद खरपतवार और कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएंगे, साथ ही खेतों में नमी का संरक्षण भी हो सकेगा। रोपा धान के खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए हरी खाद वाली फसल धेंचा या सनई की बुआई करें। एक एकड़ में बुआई के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, हम लौट आए हैं IMD पुणे से। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। किसान भाइयों, हम अगली जानकारी में और भी बहुत सारी ऐसी बातें लेकर आएंगे जो आपके फायदेमंद में होंगे। किसान भाइयों, जाते जाते हम आपसे ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि अगर खेती बाड़ी के संबंध में आपको कोई दिक्कतें होती है, कोई परेशानियाँ होती है, तो आप हमें ज़रूर लिख भेजें। खत लिखने के लिए आपको पते की भी आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाइयों, फटाफट कागज़ कलम उठाइए और हमारा पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से हमारे यह कार्यक्रम देखते रहिए और लाभ उठाते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, चुहार।